हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन टैग। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को, सिंपल स्टेटमेंट्स को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कि क्वेश्चन टैग में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट? किसी भी स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग में कब कन्वर्ट करते हैं, क्यों कन्वर्ट करते हैं, राइट? पहले मैं बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन टैग मीन्स क्वेश्चन मार्क, एंड क्वेश्चन टैग मीन्स अगर हम कोई बात कह रहे हैं और उसका कन्फर्मेशन चाहते हैं दूसरे से कि क्या हम जो कह रहे हैं वो सही है, तो हम क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं। एंड इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से सेंटेंस को चेंज करते हैं हम इनके साथ, अगर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो हम उसके साथ नेगेटिव टैग का यूज़ करेंगे, और अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो हम उसके साथ पॉजिटिव टैग का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए, इट इज़ फाइन टुडे। अगर हम किसी को कहते हैं कि आज सब बढ़िया है, आज सब अच्छा है, और हमें ये दूसरे से कन्फर्म करना है, राइट? तो स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ फाइन टुडे। अब हमें कन्फर्म करना है तो हम सिंपली इसको लिखेंगे इट इज़ फाइन टुडे, देन हम कॉमा का यूज़ करेंगे, एंड देन हम कन्फर्मेशन करेंगे कि क्या हमने जो बात की है इससे दूसरा भी सहमत है, दूसरा भी इससे एग्री है, ठीक है? तो उसके लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करा। और नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करना है? हेल्पिंग वर्ब इज़ थी, इजंट यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट इट, एंड आफ्टर डैट क्वेश्चन मार्क। इट इज़ फाइन टुडे, इजंट इट? आज का दिन अच्छा है, आज काफ़ी अच्छा है, क्या नहीं है? क्या सच में नहीं है? या इस तरह से कि हम कंफर्म कर रहे हैं। इट वॉज नॉट वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो अभी नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसको हमें क्वेश्चन टैग में यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव यूज़ करेंगे। तो वॉज का वॉज ही यूज़ करेंगे, वॉजंट यूज़ नहीं करेंगे। इट वॉज नॉट वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। वॉज इट क्या थी? क्या हम कन्फर्म कर रहे हैं उनसे कि क्या थी, मतलब उनका क्या ओपिनियन है, उनको लगी गर्मी या नहीं लगी? तो जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं और हमें दूसरे से कन्फर्मेशन चाहिए होती है, तो हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं। एंड अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन टैग यूज़ करने का यही एक तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना, बाद में सब्जेक्ट लगाना, आफ्टर डेट क्वेश्चन मार्क लगाना, राइट? अब ये देखिए, दे हैव वॉन द मैच, वे मैच जीत गए। अगेन, दे हैव वॉन द मैच, वे मैच जीत गए, हैवंट दे? क्या उन्होंने नहीं जीता? तो हम कंफर्म कर रहे हैं। शी ईट्स मीट, वह मीट खाती है, तो शी ईट्स मीट, वह मीट खाती है। Doesn't she? क्या वह खाती है? ओके, तो हम कन्फर्मेशन मांग रहे हैं। क्या वह नहीं खाती? Doesn't she? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो हमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करना है। Doesn't she? क्या वह नहीं खाती? They have won the match, वे मैच जीत गए। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, haven't they? क्या वे नहीं जीते, राइट? Sohan told me a story, सोहन ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। क्या उसने नहीं सुनाई? सोहन टोल्ड मी ए स्टोरी, डिडंट ही? ओके, सोहन एक बॉय है तो उसकी जगह हमें ही लगाना है, ये बी नहीं है गाइस, एच ई ही है, ओके? लिखने में मिस्टेक हो गई है, एच ई ही, डिडंट ही? शी विल पास, वह पास हो जाएगी। अब हमारा ओपिनियन है कि वह पास हो जाएगी, अब हम जिसको बता रहे हैं उससे कन्फर्म करेंगे। शी विल पास, वोंट शी? क्या वो नहीं होगी, राइट? तो ये होते हैं क्वेश्चन टैग, जिनको हम अपनी कही हुई बात को किसी के और द्वारा कंफर्म करने के लिए लगाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनका ओपिनियन पूछते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है इस बात को लेकर, क्या वो भी ऐसा सोचते हैं। तो एक कंफर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो हम नेगेटिव टैग लगाते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो पॉजिटिव टैग लगाते हैं, एंड कॉमा यूज़ करते हैं सेंटेंस के बाद, आफ्टर डैट पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही।
तो एक छोटी सी वीडियो थी जो कि क्वेश्चन टैग पे थी। अगर आपको जानना है कि सिंपल सेंटेंसेस एंड स्टेटमेंट्स को इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है, वहाँ पर जाकर भी डायरेक्टली उस लिंक को ओपन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज लाइक दिस। बाय, हैव अ लवली डे।